वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज जीत। और ये वाली जो वीडियो है इसमें हम हमारे जो 390 है इसके जो आगे और जो पीछे वाले ब्रेक्स हैं इनकी जो ब्रेक ब्लीडिंग है उसकी प्रोसेस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक ABS की बाइक है उसके अंदर जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है वो कैसे होती है उसको मैं जो डिटेल्स हैं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं उनके साथ शो करने वाला हूं। तो बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सो फॉर स्टार्टर्स सबसे पहले तो मैं यही चीज बता देता हूं कि ABS की जो ब्रेक ब्लीडिंग की जो प्रोसेस है वो जो नॉर्मल ब्रेक्स की जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द बाइक्स में सेम ही होती है। तो अगर आपको नॉर्मल ब्रेक्स की जो ब्लीडिंग की जो प्रोसेस होती है वो पता है तो आप इनकी जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको मैं डिटेल में इस वीडियो में वैसे भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप इसका जो ब्रेक लीवर है वही देख लीजिए, इसके अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, हमारी जो ब्रेक लाइंस है वो पूरी खाली हैं। तो इस सिचुएशन में आप जो ब्रेक्स हैं उनके अंदर फ्लूइड कैसे डालें, उसको ब्लीड कैसे करें, उसके अंदर से जो एयर बबल्स हैं वो कैसे बाहर निकालें और जो अपने ब्रेक की जो फील है उसको फिर से कैसे लेके आए वो बताने वाला हूं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारा जो आगे वाला ब्रेक है उससे, और जब ये हो जाएगा तब हमारा जो पीछे वाला ब्रेक है हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर का वायर दिख रहा है इसको मैंने, ये जो हैंडल है इसको इस साइड लॉक करके रखने के लिए लगाया है जिससे कि गलती से मैं जब हैंडल को मूव करूं तो जो ब्रेक फ्लूइड है वो बाहर स्पिल ना हो, इसके लिए मैंने इसको इस साइड लॉक करके रखा है। इस बाइक में इस साइड हैंडल लॉक नहीं होता है, दूसरी साइड होता है, और जब मैं उस साइड इस हैंडल को लॉक कर रहा हूं तो मैं वीडियो है उसमें जो एंगल आता है अच्छे से जिससे कि मैं आप लोगों को सही तरीके से दिखा सकूं और समझा सकूं वो बन नहीं पा रहा है। तो आप लोगों को ये जो वायर है लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस साइड करके हैंडल को और इसको लॉक कर देना जिससे कि जो आपका हैंडल बार है वो हिलेगा नहीं और जो ब्रेक फ्लूइड है वो बाहर गिरने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले अभी मैं ये जो इसकी कैप है इसको निकाल लेता हूं। अगर आपको इन बोल्ट्स को खोलने में परेशानी हो रही है तो इनके ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक इम्पैक्ट रेंच चाहिएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें हम जब पीछे की साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये उसको थोड़ा जो टॉर्क है उसको इंक्रीज करके जो ये स्क्रूज हैं इनको ओपन कर देता है। तो अगर आपके जो स्क्रूज हैं वो जैम हो गए हैं या खुलने में डिफिकल्ट हो रहे हैं तो आप इसकी हेल्प से इनको ओपन करें। अगर आप नॉर्मली ओपन करने की सोचेंगे तो जो स्क्रूज हैं उनके जो स्लॉट्स हैं आप उनको डैमेज कर देंगे और उसके बाद इनको खोलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन स्क्रूज के ऊपर अगर थोड़ा बहुत कोरोजन आ गया है या फिर इनके जो स्लॉट्स हैं इनको आपने डैमेज कर दिया इनको निकालते टाइम, तो आप इनको रिप्लेस करना ना भूलें, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब आप ये काम करेंगे तो आपको और ज्यादा परेशानी होगी। अभी जो कैप है उसको निकालना है, बेसिकली आपको ये पार्ट्स मिलेंगे, ये इसकी मेटल कैप है, उसके बाद ये एक प्लास्टिक की कैप है जो कि डायफ्राम के पीछे लगती है और ये हमारा डायफ्राम है। तो अभी के लिए हम इन चीजों को साइड में रखते हैं। तो अभी सबसे पहला स्टेप तो यही होने वाला है कि हम जो हमारा एम्प्टी रिजर्वायर है उसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है उसको ऐड करेंगे। ये जो बाइक है इसके अंदर .3 या .4 जो ब्रेक फ्लूइड है वो रिकमेंडेड है। आप जो मास्टर सिलेंडर की कैप आती है उसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हो वही ब्रेक फ्लूइड यूज करें। मैं इस केस में .4 यूज कर रहा हूं, बजाज का जेन्युइन ब्रेक फ्लूइड। अच्छा यही रहता है कि आप एक सील्ड कंटेनर का जो ब्रेक फ्लूइड है वही यूज करें। और जो रिजर्वोयर है उसके अंदर अगर आपको कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी कोरोजन या फिर डर्ट या डस्ट दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको क्लीन और रीबिल्ड कर लेना चाहिए। तो उस केस में मैंने ऑलरेडी जो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है, आगे वाला मास्टर सिलेंडर, पीछे वाला मास्टर सिलेंडर, आगे वाला कैलिपर, पीछे वाला कैलिपर, इनको रीबिल्ड करने की एक वीडियो बना रखी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अभी आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो अभी हमें जो ब्रेक फ्लूइड है हमारा उसको पोर करना है, और ध्यान रहे इसको आप पूरा फिल ना करें अदरवाइज ये स्पिल होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप कोई कपड़ा वगैरह यूज करें अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड वो कोरोजिव होता है, अगर वो आपके पेंटेड पार्ट्स के ऊपर लगेगा तो चांसेस हैं कि वो जो पेंट है उसको डैमेज कर सकता है। तो ब्रेक फ्लूइड हमने भर दिया है, अभी जो नेक्स्ट वाली स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं, और वो होने वाली है हमारा जो ब्लीडर बोल्ट है उसको ओपन करना। अभी क्योंकि ये आगे वाला ब्रेकिंग सेटअप है तो इसके अंदर जो कैलिपर है वो यहाँ पर है, हमारी जो ABS की यूनिट है वो यहाँ पर है, और हमारा मास्टर सिलेंडर यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेक फ्लूइड का जो रिजर्वोयर है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ABS का जो पंप है वो इससे नीचे है, और उसके बाद हमारा जो कैलिपर है वो सबसे नीचे है। तो हम यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारा ब्लीडर बोल्ट है सबसे पहले उसकी जो डस्ट कैप है उसको हटाना है, उसके बाद जो ब्लीडर बोल्ट है उसकी जो साइज है उस साइज का हमें एक स्पैनर लेना है, उसको इसके अंदर लगाना है। मेरे केस में जो ये ब्लीडर बोल्ट है ये 8mm का है। उसके बाद एक बोतल की जो कैप है उसके अंदर होल करके एक जो पाइप है उसको बोतल में लगाना है, और इस पाइप की जो साइज है वो जो हमारा ब्लीडर बोल्ट है उसके बराबर होनी चाहिए। और अभी हम ये जो पाइप है इसको जो बोल्ट है उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे।
कुछ इस तरीके से, और अभी हमें जो ब्लीडर बोल्ट है उसको लूज करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये जो काम इतनी देर में किया है, उसी टाइम में हमारा जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो जो ब्रेक लाइंस है उनके अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको टॉप अप करेंगे, उसके बाद ये जो ब्लीडर बोल्ट है इसको हमें लूज करना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से छोड़ देना है। और अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो जो हमारी पाइप है उसके अंदर ब्रेक फ्लूइड आ रहा है, और उसके साथ ही साथ जो एयर बबल्स हैं वो आ रहे हैं। तो अभी हमें इनके ऊपर ये नजर रखनी है कि जो एयर बबल्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब एयर बबल्स आना बंद हो जाएंगे तब हम जो ये बोल्ट है इसको बंद कर देंगे, और साथ ही साथ हमें हमारा जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है उसके ऊपर भी एक नजर रखनी है। ये जैसे जैसे कम होता जाए वैसे वैसे हम इसको फिर से टॉप अप करते जाएंगे। अगर ये कम हो गया एकदम से तो फिर से जो ब्रेक लाइन है उसके अंदर एयर चली जाएगी जो हम नहीं चाहेंगे, तो इसको टॉप अप करते हुए रहना है। और जैसे ही जो बड़े बड़े एयर बबल्स हैं वो आना बंद हो जाएं, वहां पर हम जो ये ब्रीडर बोल्ट है इसको पूरा बंद कर देंगे। उसके बाद हमें हमारा जो ब्रेक लीवर है उसको प्रेस करके जो ब्रेक लाइन है उसके अंदर प्रेशर जनरेट करना है। उससे जो बाकी के जो बबल्स जो ब्रेक लाइन के अंदर रह गए हैं उनमें से कुछ एयर बबल्स जो हैं वो जो हमारा मास्टर सिलेंडर है उसके थ्रू निकल जाएंगे, और उसके बाद जो एयर बबल्स बच जाएंगे उनको हम जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है उसके थ्रू जो ब्लीडर बोल्ट है उसके थ्रू फिर से निकाल देंगे। तो अभी सबसे पहले प्रेशर जनरेट करते हैं थोड़ा, और यहाँ पर जब हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो जो ब्रेक फ्लूइड है वो उछल रहा है, तो उसके लिए जो है व्हाइट वाली कैप है इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा, जिससे कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो इससे टकरा करके फिर से नीचे ही चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है उसको चेक करते रहना ना भूलें। और जैसे ही आपको थोड़ा प्रेशर है वो फील होने लगे उसके बाद जो ब्रेक लीवर है आपको उसको पूरा टाइट करके रखना है। अभी आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, मेरे पास हेल्प अवेलेबल है नहीं, तो मैं यहाँ पर एक इलास्टिक का बैंड है उसकी हेल्प से इसको बांध रहा हूँ। और आगे वाले ब्रेक लीवर को पूरा प्रेस करके रखते हुए हमें जो ब्लीडर बोल्ट है उसको खोलना है, और प्रेशर की वजह से जितना ब्रेक फ्लूइड और एयर बबल्स निकलते हैं उनको निकलने देना है, और उसके बाद इसको फिर से टाइट कर देना है। ब्लीडर बोल्ट है उसको टाइट करने के बाद जो ब्रेक लीवर है उसको रिलीज करना है, और फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। ब्रेक लीवर को बार बार प्रेस करके जो प्रेशर है उसको जनरेट करना है, उसके बाद इसको लॉक करना है, जो ब्लीडर बोल्ट है उसको ओपन करना है, और ब्रेक फ्लूइड को एयर बबल्स के साथ निकलने देना है, उसको फिर से क्लोज करना है, और फिर जो ब्रेक लीवर है उसको फिर से छोड़ना है, और फिर से जो प्रेशर है वो क्रिएट करना है, ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है उसको चेक करते रहना है। तो ये सेम प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक जो ब्रेक का जो लीवर है उसके अंदर अच्छी खासी फील आने लग जाए और इसको प्रेस करना हार्ड ना होने लग जाए, जैसा कि जो नॉर्मल डिस्क ब्रेक का जो सेटअप आता है उसके अंदर रहता है। तो मैं ये प्रोसेस है इसको बार बार रिपीट करता हूं, आप लोगों को दिखा करके बोर करके कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनली जो ब्रेक है उसके अंदर जो फील है वो अच्छी खासी आने लग गई है। अभी मैं मेरी जो चारों फिंगर्स हैं उनको पीछे की साइड प्रेस कर रहा हूं पूरी ताकत लगा करके, और अभी भी थोड़ा सा जो गैप है वो बच रहा है। दूसरी चीज, फील अकेला एक फैक्टर नहीं है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ब्रेक ब्लीडिंग का काम है वो पूरा हो गया है। जो रियल फैक्टर जो ये चीजें डिसाइड करेगा वो ये है कि जब हम जो ब्रेक लीवर है उसको पूरा प्रेस कर देंगे और उसके बाद जो है ब्लीडर बोल्ट है इसको ओपन करेंगे, तो इसके अंदर से जो ब्रेक फ्लूइड निकलेगा उसके अंदर बिल्कुल भी बबल्स नहीं निकलने चाहिए। तो मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं जो आगे वाला जो ब्रेक का लीवर है उसको एक बार टाई अप कर देता हूं। तो जो लीवर है उसको मैंने टाई अप कर दिया है। अभी मैं जो ब्लीडर बोल्ट है इसको ओपन करूंगा और इसके अंदर से जो ब्रेक फ्लूइड निकलेगा उसके अंदर आप देखेंगे कि बबल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो बबल्स हैं वो नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा जो ब्रेक ब्लीडिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। मैंने इसको लगभग 20-25 मिनट्स दिए हैं, ये जो प्रोसेस है इसको मैंने बार बार रिपीट करके अच्छे से जो आगे वाले ब्रेक्स हैं उनकी ब्लीडिंग की है। तो अभी ये जो बोल्ट है इसको मैंने पूरा टाइट कर दिया है, इसको ज्यादा जोर से टाइट नहीं करना है, बस इसको हल्के हाथ से टाइट कर दें, और इसके बाद ये जो पाइप है इसको निकालना है। और पाइप को निकालते टाइम हमें कपड़ा इसके चारों तरफ रखना है ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है पाइप के अंदर वो जो ब्रेक के कंपोनेंट्स या पेंटेड पार्ट्स हैं उन पर ना गिरे, अदरवाइज वो उनको डैमेज कर देगा। और अभी हम इसकी जो डस्ट बूट है उसको लगा देंगे। अभी जो हमारी व्हाइट प्लेट है इसको हटाना है, उसके बाद हमारा जो ब्रेक फ्लूइड का लेवल है उसको चेक करना है। प्रिकॉशन यहाँ पर यही रखनी है कि आप इसको पूरा फिल मत कर देना, बस बाकी सब ठीक है। उसके बाद इसका जो डायफ्राम है उसको लगाना है। अगर ये कुछ इस तरीके से हो रखा हो तो आप इसको फोल्ड कर लें,
उसके बाद इसको यहाँ पर रखना है, फिर इसकी जो प्लेट है वो लगानी है, और उसके बाद ये कैप लगानी है। इसके जो ये लेटर्स वगैरह लिख रखे हैं वो इस साइड होने चाहिए कि हम बाइक चलाएं उस टाइम इनको पढ़ पाएं, बस थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। और उसके बाद इसके जो दोनों स्क्रूज हैं उनको लगाना है, और फिर इनको हल्के हाथ से टाइट करना है। और आगे वाले ब्रेक्स की ब्लीडिंग का काम तो हो गया, अब पीछे वाले ब्रेक्स की तरफ चलते हैं। और पीछे वाले ब्रेक में भी आप देख सकते हैं कि जो लीवर का जो ट्रेवल है वो पूरा ही एकदम फ्री है, इसके अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। और अभी जो रिजर्वायर है मैं उसको भी खोल के दिखा देता हूँ। रिजर्वायर में सबसे पहले इसकी कैप निकलेगी और उसके बाद एक डायफ्राम निकलेगा जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे। तो इनको रखते हैं साइड में, और ये हमारा रिजर्वायर है जो कि बिल्कुल ही खाली है। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक ब्रेक फ्लूइड रिकमेंड कर रखा है उसको पोर करते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो ब्लीडर बोल्ट है उसकी जो डस्ट कैप है उसको हटाना है। एक बार जो व्हील सेंसर का वायर है उसको साइड में कर रहा हूं मैं। उसके बाद सबसे पहले स्पैनर लगाना है जो कि इस केस में 11 मिलीमीटर का है। और फिर जो हमारी बोतल है उसकी जो पाइप है उसको लगाना है इसका जो लीडर बोल्ट है उसके ऊपर। और अभी इसके लिए मैंने एक रबर बैंड की हेल्प से हैंगर बना दिया है, तो ये जो पाइप है ये बेंड नहीं होगी। और अब क्योंकि हमारा जो रिजर्वायर है वो यहाँ पर है, मास्टर सिलेंडर पीछे वाला यहाँ पर, ABS पंप यहाँ पर, और जो ब्रेक का जो पीछे वाला कैलिपर है वो वहां पर है, तो जो ग्रेविटी वाला मेथड है वो तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड काम में लेना है। और ये मेथड कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा लीडर बोल्ट है उसको हमें खोलना है, उसके बाद जो ब्रेक पेडल है उसको पूरा नीचे की साइड प्रेस करना है, उसके बाद जो ड्रेन बोल्ट है उसको फिर से बंद करना है, और फिर हमारा जो ब्रेक पेडल है उसको छोड़ना है, फिर से जो ड्रेन बोल्ट है उसको रिलीज करना है, जो ब्रेक पेडल है उसको नीचे की साइड पुश करना है, फिर से इस बोल्ट को टाइट करना है, और फिर से जो ब्रेक पेडल है उसको छोड़ देना है। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक कि हमारा जो ड्रेन बोल्ट है वहां तक जो ब्रेक फ्लूइड है वो निकलने ना लगे, और इस बीच हमारा जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है उसको भी हमें चेक करते रहना है, और इसमें ब्रेक फ्लूइड है उसको टॉप अप करते रहना है। तो अभी मैं ये वाली प्रोसेस करता हूं, और उसके बाद जब यहां से ब्रेक फ्लूइड आने लग जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और जो ब्रेक फ्लूइड है वो बिल्कुल आना शुरू हो गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये रहा। और क्योंकि अभी जो ब्रेक फ्लूइड है वो आना शुरू हो गया है तो हमारा जो ब्लीडर बोल्ट है हम उसको पूरा टाइट ही रखेंगे अभी, और हमारा जो ब्रेक पेडल है उसको हम प्रेस करेंगे, और जो ब्रेक लाइन है उसके अंदर जो प्रेशर है उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो ब्लीडर बोल्ट है उसको खोल करके जो ब्रेक पेडल है उसको पुश करके रखेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले ड्रेन बोल्ट खोल रहे थे और फिर जो ब्रेक पेडल है उसको पुश कर रहे थे, फिर ड्रेन बोल्ट बंद कर रहे थे और उसके बाद जो ब्रेक पेडल है उसको छोड़ रहे थे। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम पहले जो ब्रेक पेडल है उसको बार बार करके जो प्रेशर है वो बनाएंगे, उसके बाद जो ब्रेक पेडल है हम उसको पूरा दबा के रखेंगे, और फिर हमारा जो ब्लीडर बोल्ट है उसको खोलेंगे और फिर से इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद हम फिर से प्रेशर बनाएंगे, और जैसे ही प्रेशर बनने लगेगा उसके बाद इसको पूरा दबा करके रखेंगे जितना हम दबा सकें, और उसके बाद जो ब्लीडर बोल्ट है उसको खोलेंगे और उसके बाद फिर से बंद कर देंगे, और फिर हमारा जो ब्रेक पेडल है हम उसको छोड़ देंगे। तो अब ये वाली प्रोसेस है, इसको रिपीट करना है। मीनवाइल फिर से वही चीज, जो ब्रेक फ्लूइड है उसके ऊपर एक नजर रखनी है कि ये कम ना हो, और ये प्रोसेस अभी तब तक रिपीट करनी है जब तक कि जो ब्रेक फ्लूइड है उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो आना बंद ना हो जाएं। जैसे ही एयर बबल्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे हमारा जो पीछे वाले ब्रेक की लाइन का जो ब्लीडिंग का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। और फाइनली हमारी जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है पीछे वाले ब्रेक के लिए वो पूरी हो गई है। अभी जो ब्लीडर बोल्ट है उसमें से जो ब्रेक फ्लूइड आ रहा है उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं है। एक बार मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू है वो दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने जो ब्रेक पेडल है उसको पूरा प्रेस करके रखा हुआ है, और अभी मैं जो ब्लीडर बोल्ट है इसको ओपन करने वाला हूँ, और आप यहाँ पर देखना बिल्कुल भी बबल्स नहीं निकलेंगे, सिर्फ जो क्लियर ब्रेक फ्लूइड है वही निकलेगा। तो बस अभी हमारा जो ब्लीडर बोल्ट है उसको हम हल्के हाथ से टाइट कर देंगे, और उसके बाद ये जो पाइप है इसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद इसकी जो डस्ट कैप है उसको लगाना है व्हील सेंसर के साथ। उसके बाद जो ब्रेक फ्लूइड का लेवल है उसको चेक करना है, फिर इसका जो डायफ्राम है उसको लगाना है, और उसके बाद इसकी जो कैप है उसको, और इसको ज्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज जो ये रिजर्वायर है ये यहाँ पर इस माउंट पर लगा हुआ है, यहाँ से इसका जो ये प्लास्टिक वाला पोर्शन है ये टूट जाएगा। और हमारा जो पीछे वाला ब्रेक पेडल है उसमें जो फील है वो अच्छी खासी आ गई है, और कुछ इस तरीके से हम हमारा जो पीछे वाला ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी जो ब्लीडिंग की प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को करने में हमें सिर्फ 200 ml के समथिंग जो ब्रेक फ्लूइड है वो लगा है, और ये जो दो कंटेनर्स हैं ये दोनों सील्ड हैं, एक तो ये देख लिया आपने,
और ये रहा दूसरा। लेकिन इनका जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है वो देखिए आप एक बार। बाकी अगर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है तो बताना यार कमेंट्स में। मुझे तो यही लगता है कि ये लोग क्वालिटी कंट्रोल है वो ऐसा ही करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कुछ इस तरीके से हम जो ABS वाली बाइक है उसके अंदर जो आगे और पीछे वाले ब्रेक्स हैं उनकी ब्लीडिंग कर सकते हैं। और ABS क्या, ये प्रोसेस वही हमारी सेम प्रोसेस है जो हमारी नॉन ABS बाइक में अप्लाई होती है। कुछ हाई एंड बाइक्स हैं या फिर कुछ यूनिक बाइक्स जिनको बोल सकते हैं, एक्सेप्शंस बोल सकते हैं, उनके अंदर जो ABS की ब्रेक ब्लीडिंग है उसके लिए काफी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अभी भी ज्यादातर बाइक्स जो मार्केट में आ रही हैं ABS के साथ, उनके अंदर जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल जो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है वैसी होती है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद आप नॉन ABS और ABS बाइक्स की जो ब्रेक ब्लीडिंग है वो थोड़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने तीन टाइप के मेथड शो किए हैं और कौन सा मेथड किस सिचुएशन में काम में लेना चाहिए वो भी बताया है। वैसे इसके अलावा बहुत सारे अलग मेथड्स भी होंगे, बिल्कुल इससे बेटर भी हो सकते हैं, इससे खराब भी हो सकते हैं। और जो ABS ब्रेक ब्लीडिंग की जो मशीन्स वगैरह आती हैं वो तो फिर अलग ही कैटेगरी है, उसमें चला जाएगा। तो मुझे जितना आता था आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।